अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को एक बार कंटिन्यू के साथ मैं शामदीद करता हूँ। आज आपके साथ अगली अपडेट शेयर कर रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से एक ज़बरदस्त वैकेंसी का ऐलान कर दिया गया, जिनके लिए पूरे पाकिस्तान से मर्द एंड हवती नजर अप्लाई कर सकते हैं। तमाम एजुकेटर ट्राइज की तरफ बिना तखिर के बगैर वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि आप और आसानी से समझ आ सकें। सबसे पहले अगर बताता चलें तो सबसे पहले मैंने जो पोस्ट की बात की जाए, जो स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 जिनकी टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो टोटल इनकी 9 वैकेंसी हैं। और इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और इनके लिए आपकी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट और आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और इनकी अगर कोटा वाइज की बात की जाए तो पंजाब के लिए 7 और KP के लिए 2 सीटें हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14 इनकी भी एक ही वैकेंसी है। और इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो कि आपकी फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, जो कि आपकी इसके साथ आपकी 10,000 कीवर्ड्स डिप्रेशन भी होने चाहिए पर आवर के हिसाब से। और इनकी जो सीट्स की हैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो UDC BPS 11 इनकी टोटल सीट्स की बात की जाए तो 4 सीट्स हैं। और इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन जो इंटरमीडिएट दरकार है, मेरठ पर एक है, पंजाब मेरठ पर एक है, एंड सिंध मेरठ सिंध रूरल मेरठ पर एक है, सिंध अर्बन मेरठ पर एक है। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो LDC BPS 9 इनकी टोटल सीट्स की बात की जाए तो टोटल इनकी 8 सीट्स हैं, मेट्रिक पास होने चाहिए और इनकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। मेरठ पे एक है, पंजाब मेरठ 4, सिंध रूरल मेरठ 1, सिंध KP मेरठ 1 एंड एक्स फाटा मेरठ 1 इनकी वैकेंसी हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो ड्राइवर BPS 403 इन BPS 4 इनका स्केल है, इनकी जो सीट्स है वो 3 सीट्स हैं और प्राइमरी पास होनी चाहिए, जो कि इनकी लोकल बेसिस पे यानी सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नायब कासिद BPS 1 इनकी टोटल सीट्स की बात की जाए तो इनकी टोटल जो सीट्स है वो 7 हैं, प्राइमरी पास होनी चाहिए। और इनके लिए अगर बात की जाए, अब अगर इनकी बात की जाए फराश BPS 1 इनकी टोटल जो सीट्स वो 3 हैं, प्राइमरी पास होनी चाहिए, लोकल बेसिस पर इनकी अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी। अब इनके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का सिंपल तरीका है। उसके लिए अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपने उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएँ। जैसे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाए वहाँ से आपने इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो डायरेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम द अबव मेंशन पोस्ट विल नॉट बी एंटरटेन, आपने इनके लिए कोई फिजिकली नहीं भिजवाना। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करने गए, और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने 2 साल कंप्लीट किया है डेट ऑफ रिस्पेंड द एप्लीकेंट विल बी ग्रांटेड एज रजिस्ट्रेशन एज एडमिटेबल अंडर द रूल्स, यानी वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है जिन्होंने 2 साल जो है वो अपनी नौकरी कम्प्लीट की और वो मुसलसल हैं, तो वो आपने उसने अपने जो है ग्रांटेड करना है और 5 जो एज रजिस्ट्रेशन 10 साल का वो आपने मैंशन कर देना है। और अगर बात की जाए तो 5 साल जो है वो जनरल एज रजिस्ट्रेशन जहाँ पे 18 से 30 साल है वहाँ पे 18 से 35 साल तक के लोग अप्लाई करते हैं, जहाँ पे 18 से 25 है वहाँ पे 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई करते हैं, जहाँ पे 18 से 28 साल तक हैं वहाँ पे 18 से 33 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के साथ लेके जाना है, जिनकी कॉपीज वगैरह भी आपके पास होना ज़रूरी है, वो भी आपके अटेस्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनकी जो लास्ट डेट है वो 14 मई 2022 है, तो आखिरी डेट तक वेट ना करें और अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा अगर आपको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव पोस्ट देखना चाहते तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, सकते शेयर करने से संबंध को फायदा हो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसानी मिल रहे हमारे आने वाले वीडियोज़ के आने तक। अपना और अपने दोस्तों करके बहुत रहा, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।